हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, अदाब, नमस्ते। वेलकम बैक टू आवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम लेकर आए अपने चैनल पे रिएक्शन जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं माँ बाप की खिदमत बाय मुफ्ती तारिक मसूद जी। तो देखते हैं कि आज की वीडियो में क्या होने वाला है, क्योंकि हम पहली बार अपने चैनल पे इनका बयान सुनने वाले हैं। अब तक हमने बहुत सारे लोगों का बयान सुना, पर शायद इनका हम आज फर्स्ट टाइम सुनेंगे। और टॉपिक बहुत ही अच्छा है, माँ बाप की खिदमत। अब तक हमने माँ बाप वाली जो वीडियोस हैं वो उनकी देखी हैं, तारिक जमील जी की। वो बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत इमोशनल कर देते हैं बातें करते हुए। और जब माँ बाप की बात हो तो बंदा इमोशनल हो ही जाता है। तो इनकी वीडियो देखते हैं कि इनकी वीडियो में क्या होने वाला है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। हमारे चैनल पर मुफ्ती तारिक मसूद जी की ये पहली वीडियो होने वाली है। इससे पहले हमने बहुत सारे और लोगों के बयान सुने हैं, लेकिन इनका बयान हम पहली बार सुनने वाले हैं। और आज का टॉपिक भी बहुत ज्यादा जो है वो इमोशनल है, क्योंकि अगर आप माँ बाप के बारे में कोई भी बात करें वो हमेशा आपको बहुत टचिंग लगेगी, कहीं ना कहीं वो आपको इमोशनल कर ही देगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज एक आदमी आया अपनी बूढ़ी वालदा को लेके। वो वालदा बिचारी बीमार थी, बूढ़ी थी। मुझे कहने लगा मेरी वालदा हैं बेचारी, परेशान है, अब इनको वहम हो गया, इन पे कोई जादू तो नहीं हो गया है। मैंने उसकी वालदा को देखा, बहुत तकलीफ में थी बेचारी, घुटनों की तकलीफ और बुढ़ापे की तकलीफ। तो मैंने उस नौजवान को देखा, मैंने कहा यार आप इनकी खिदमत कर रहे हो, कह रहे मैं हैं 24, मैं अकेला ही हूँ खिदमत करने वाला। मेरे लिए ना अपने जज्बात पे काबू रखना मुश्किल हो गया। तो मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा। जाहिर इंसान तंग आ जाता है ना, एक बूढ़ी माँ की 24 घंटे की, मेरी उसकी माँ की हालत को देख के मुझे अंदाजा हो गया कि इसकी खिदमत आसान नहीं, इसकी सुनना बड़ी मुश्किल है। अरे बूढ़ा है बेचारा, बूढ़ा तो बोलता रहेगा, और उसको चाहिए कोई सुने। इतना देर सुनना, फिर उसको बर्दाश्त करना। तो मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा, मैंने कहा मेरे भाई एक एक सेकंड जो आप बर्दाश्त कर रहे हो ना, एक एक सेकंड खुदा की कसम हज और उम्रे से बेहतर है। इसको हल्का ना समझना, इसको बोझ ना समझना, अल्लाह बहुत नवाजेगा तुम्हें इस खिदमत पे। सही बात। दुनिया में कुछ हो सकता है, बिजनेस का लॉस हो जाए, जो टाइम दुकान पे बैठने का था वो भी किसको दे रहा है। मैंने कहा अल्लाह की नजर में ये खिदमत हल्की, दुनिया में इस पे कख भी नहीं मिलेगा। तभी अंग्रेज इससे पहले ही ओल्ड होम में जमा करा देता है, क्योंकि मां ने जो कुर्बानी दी है ना तुम्हारे लिए, वो इससे बढ़कर है। वो भूल जाता है इंसान, और उस पर कोई मोटिवेट करने के लिए तैयार नहीं है। वो फादर डे और मदर डे मनाते हैं बस साल में एक दफा। कुरान को पता है कि इंसान अपने मोहसिनीन को सबसे पहले भूलेगा, क्योंकि इनसे जितना फायदा उठाना था उठा लिया, अब इससे ना कोई फैक्ट्री चलेगी ना मईशत मजबूत होगी। गोरा सारा फोकस किसको कर रहा है, कंट्री मजबूत हो जाए, है भाई बिजनेस अच्छा हो जाए। अल्लाह को पता है इन लोगों ने तुम्हें जनाए, मां ने कुरान क्या कह रहा है। हमलत हु उम्मुहु कुरहन व वज़अत हु कुरहा, इस मां ने तुम्हें तकलीफ से पेट में उठाया और तकलीफ से तुम्हें जनाए। व हमलुहु व फिसालुहु 30 शहरा, और जब दूध पीते बच्चे थे ना, 2.5 साल अपनी गोद से चिपका के रखा है इसने, 2.5 साल, एक सेकेंड के लिए लगनी होती थी। उस वक्त तुम्हारी मुआशरे को कोई जरूरत नहीं थी। बच्चे का कोई किरदार होता है, किसी काम का नहीं है, फेंक के चली जाती, कोई पूछने वाला नहीं था, ईदी सेंटर में जमा करा देती। कैसे पालती है, कैसे सीने से लगा के रखती है। और कितना बड़ा रिश्ता है मां का भाई, दुनिया में इससे बेहतरीन रिश्ता अल्लाह ने किसी का खुदा की कसम बनाया नहीं है। इससे बेहतर मोहब्बत की और खिदमत की मिसाल मिलती नहीं है दुनिया में, जितनी मां अपने बच्चे के लिए करती है। अपने ही बॉडी से निकला हुआ दूध उसे पिलाती है, अपनी बॉडी खर्च करती है उसके ऊपर। आपकी बॉडी भी उसकी बॉडी से बन रही है, आपको शेल्टर भी दे रही है, और फिर सारी जिंदगी रोटियां पका पका के खिलाती रहती है। कोई मुलाजिम रख के देख लो,
एक दिन पकाएगा, दो दिन पकाएगा, तनख्वाह मांगने आएगा, फिर उससे ऐसे गरज नहीं होती कि आप खा भी रहे कि नहीं खा रहे, नहीं खाओगे तो तकलीफ होती है उसको भाई, इंतहा होती है खिदमत की। 10 साल 20 साल जब तक शादी नहीं हो जाती ना, कौन खिलाता है? हर वक्त फिक्र, नाश्ता किया नहीं किया, खाना खाया नहीं खाया, ये खा ले वो खा ले, ये नहीं अच्छा लगता वो पका देती हूँ। वो भाई किसी को किराए पर लेकर आओ, किसी को तनख्वाह पे रखो, खुदा की कसम अजाब में आ जाएगा, तंग आ जाएगा थोड़े दिनों में वो। सही बात है। और कमाल दर कमाल ये कि इंतहाई ऐसी खिदमत करने के बाद उस खिदमत का मुआवजा कुछ नहीं है। बोलो भाई, नहीं मांगती। तो जब वो बूढ़ी होती है भूल जाता है, तो इंसान वो सारा प्रोसेस, बोलो भाई, भूल जाता है। अब उसको ये बोझ लगता है, खांस रही है, घुटनों में तकलीफ है। मैं एक अक्सर वाकया सुनाता हूं ना, कि एक बूढ़े ने अपने बच्चे से पूछा एक बूढ़े बाप ने अपने बच्चे से पूछा कि बेटा ये दीवार पे क्या बैठा हुआ है? तो बेटे ने कहा कौवा। क्या कहा? कौवा। बूढ़े ने फिर पूछा, आज की जो यंग जनरेशन है ना, वो अपने बाप के ज्यादा सवालात बर्दाश्त, बोलो ना, वो खुदा की कसम सारा दिन मोटिवेशनल स्पीकर को सुनती रहेगी ना, फिर भी अपने बाप की बात उसको बर्दाश्त नहीं होगी। सही बात। दम ही नहीं है इसमें, मुआशरे की इसलाह है ही नहीं। तो उस बूढ़े ने कहा कि बेटा ये क्या है, ये क्या है? तो बेटे ने क्या जवाब दिया? कौवा। दोबारा उसने पूछा, बेटा ये क्या है? बेटे ने क्या कहा? कौवा। तीसरी दफा पूछा, तो कोई बहुत ही शरीफ खानदान का बेटा था, तो तीसरी दफा में सवाल बर्दाश्त कर गया। वरना आज नौजवान के पास बूढ़े बाप और बूढ़ी माँ को बर्दाश्त करने का हौसला नहीं है। 2-3 सवालात पर ही आग बगोला हो जाते हैं। वो मुझसे कहते हैं, मेरे अब्बा ऐसे, मेरे पापा वैसे। ओ भाई, अगर तेरे अब्बा अच्छे होते तो अच्छा, तो दोस्त भी हो तो उसके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए ना। अब्बा अम्मा तो खराब हो फिर अच्छा सलूक करने का हुक्म, इसलिए कि उनके एहसानात उनकी बुराइयों से, बोलो, ज्यादा हैं। सही बात। जो एहसान उन्होंने कर दिया, वो ऐसा आप पर एहसान कर दिया है कि अब उसका बदला कयामत तक आप नहीं चुका सकते। तो वो बाप ने दोबारा पूछा, तीसरी दफा पूछा, ये क्या है? तो बेटे ने कहा, क्या एक एक सवाल की पख लगा के रखी, कुछ और काम कर लो अब्बा, बार बार एक ही सवाल रिपीट कर रहे हो। तो बाप को अपना जमाना याद आया, उसने कहा, बेटा जब तू छोटा था ना, तूने 20 मरतबा मुझसे पूछा था कि अब्बू ये, 20 मरतबा पूछा था, और मैं एक दफा भी मैंने झुंझला के जवाब, बोलो, नहीं दिया था। तो क्योंकि बच्चा भूल जाता है कि मेरी मां ने मेरे लिए क्या किया, और खुद मां भी भूल जाती है, हकीकत तो ये है, बाप भी भूल जाता है कि मैंने अपनी औलाद के लिए क्या किया। अल्लाह चूंकि याद रखता है, इसलिए उसने कुरान में बार बार मां बाप को बयान किया है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। वसैनल इंसान, फरमाया ऑर्डर नहीं दे रहा, हुक्म नहीं दे रहा, वसीयत कर रहा हूं, जैसे कोई मरते हुए दुनिया से जाता है ना, ऐसे वसीयत कर रहा हूं, हुक्म नहीं, वसीयत, हुक्म से बढ़कर चीज है कि इनका, इनको नहीं भूलना है, तुमने इनको नहीं भूलना है। तो ये कौन से अच्छे लोग हैं भाई, जो खुदा को भी नहीं याद रखा उन्होंने और अपने पेरेंट्स को भी नहीं। तो कस्टमर को से अच्छे अखलाक से बात करके ये कौन से अखलाक हो गए? तो मेरे वैसे जज्बात बने ना उसकी मां को देख के, उस जवान आदमी के मैंने कंधे पे हाथ रखा, लेकिन चूंकि मुझसे बोला ही नहीं गया, ठीक है ना, मुझसे तो कैफियत ऐसी हो गई कि बस एक दो बातें मैंने उससे की, मैंने कहा भाई इस खिदमत को हल्का, इसको हल्का ना, अभी नहीं बोला जा रहा, तो आप सोचें जब ये मंजर था तो कहां बोला जा रहा होगा। तो मेरे लिए सबसे मुश्किल जो टॉपिक है ना, वो वालदैन के हकूक पे बात है, क्योंकि जज्बात बोलने नहीं देते, साथ दिमाग को अपना हटाता हूं मैं। जो आजकल वालदैन के साथ हो रहा है, अपनी बीवी को देखा करो यार, कैसे पालती है,
कैसे पालती है बच्चों को आपके, देखा करो कैसे सुबह सुबह उनके कपड़े इस्तरी कर रही होगी, कैसे मोहब्बत से नाश्ता बना रही होगी, कैसे मोहब्बत से वैन में बिठा रही होगी। औरत किसी के लिए भी मुनाफकत रख सकती है, किसी से भी दुश्मनी रख सकती है, औलाद के लिए मां से बड़ा तोहफा कोई नहीं है, कोई नहीं। बोलो, औलाद के साथ कभी भी बुरा नहीं सोचती हो, ऐसा अल्लाह ने उस पर एहसान किया। आज उस वो बर्दाश्त नहीं हो रही, कमबख्त मरने के बाद गुसल नहीं दे रहे होते उसको। बाप मर गया फौरन ईदी सेंटर गुसल के लिए, मां मर गई ईदी सेंटर। ओ भाई अब तो आखिरी आखिरी सफर है, बेटी को चाहिए मां को गोद में बिठा के गुसल दे, फखर करे, उसकी बॉडी पे हाथ नहीं लगा रहे मर गई है कैसे। ये है अल्लाह के हां मेरे भाई तुम्हारी दौलत की कोई वैल्यू बोलो नहीं है। तुम कितने बड़े साइंटिस्ट बन जाओ, पहले इंसान बनो इंसान। कुछ दुनिया सलूट करेगी मरने के बाद, खुदा नहीं मानेगा। बहुत से लोगों की कब्रों पे 21-21 तोपों की सलामी होती है, बड़े बड़े प्रोटोकॉल दिए जाते हैं, आखिरत में पता चलेगा कि कितनी तोपों की सलामी का मुस्तहिक था, कितनी तोपों की सलामी का हकदार थे, आखिरत में पता चलेगा। अरे यार मतलब इतनी इमोशनल वीडियो थी ये, और मतलब पहले ही जैसे ही हमने इसका टॉपिक पढ़ा था, टाइटल पढ़ा था माँ बाप की खिदमत, मुझे तभी लगा था, मैं कहा ये वीडियो आज की जो है बहुत इमोशनल होने वाली है, ये टॉपिक ही ऐसा है। और मुफ्ती तारिक मसूद जी ने जैसे इसको पूरा बयान किया है, जैसे उस इंसान की इन्होंने बात करी है जिसकी ये बात कर रहे थे कि वो अपनी माँ को लेकर आए, अपनी माँ की जो खिदमत कर रहा है, बात बिल्कुल सही है। मतलब ये मतलब ऐसा कहा जाता है कि इसका लेखा उसका लिखा गया, मतलब उसको कोई और कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसको कोई हज उमरा करने की कोई जरूरत नहीं है, उसका सारा उसका सब कुछ हो गया है। क्योंकि वही बात है कि 24 घंटे वो अपनी माँ के साथ है, अपनी माँ की बातें सुन रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। आजकल की जनरेशन ये सब नहीं कर सकती है। सही बात है यार, मतलब हम लोग ही ऐसे हैं, मैं किसी की क्या बात करूं, हम ही लोग ऐसे हैं। अगर हमें ही दूसरी बार कोई बात पूछ लेता तो हमें लगता कि अरे यार एक बार बता तो दिया था, तो दोबारा से कई बात फिर से पूछ रहे हो, तो हमारे अंदर वो पेशेंस नहीं है। आजकल की जनरेशन में इतनी पेशेंस नहीं है, बट फिर भी जो ये काम कर रहा है मतलब सल्यूट है उसको, और बहुत अच्छी बात है। वैसे ही सबको समझनी चाहिए ये चीज को भी, अपने मम्मी अपने माँ बाप को मतलब इज्जत देनी चाहिए। मुफ्ती तारिक जी की ये पहली वीडियो है, और इस पहली वीडियो के साथ ही उन्होंने बहुत बड़ी जगह बना ली है हम सबके दिल में, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुली इस पूरी वीडियो को एडमायर कर रही थी। क्योंकि टॉपिक ऐसा है माँ बाप, जब भी आप कभी माँ बाप से रिलेटेड कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, आप कहीं ना कहीं वो इमोशंस आपके अंदर आ ही जाएंगे। और इस वीडियो में मैं देख रही थी कि पूरी वीडियो के दौरान जो तारिक मसूद जी थे वो बहुत ज्यादा इमोशनल थे, मतलब वो बोल नहीं पा रहे थे, उनके पास अल्फाज नहीं थे, क्योंकि उनकी आंखें भरी हुई थी आंसुओं के साथ। वो जिस भी तरीके से वो पूरा वाक्या जो है वो बता रहे थे, मैं उस पूरे वाक्या को अपनी आंखों के सामने महसूस कर रही थी कि कैसे वो बेटा जो अपनी माँ की सेवा करता है वो किस परेशानी से गुजर रहा होगा, कि एक माँ को वो इतनी तकलीफ में देखकर वो खुद इतना ज्यादा परेशान था। तो इस वीडियो से एक बहुत पॉजिटिव मैसेज हम आज की जो पीढ़ी, जिनके लिए हमेशा ये बोलते हैं जो आज की यंगस्टर्स हैं, हम सब उनमें से हैं, तो हम सबके लिए बहुत बड़ा मैसेज है इस वीडियो में कि हम बहुत जल्दी अपना पेशेंस लूज कर देते हैं, बहुत जल्दी हम गुस्सा हो जाते हैं, और माँ बाप की छोटी छोटी मतलब वो कुछ भी हमसे पूछ ले, कुछ मांग ले, अगर एक से दूसरी बार वो कुछ पूछते तो हम इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। तो इस वीडियो से बहुत बड़ा लेसन हमें मिलता है कि हमें माँ बाप की सेवा की तरफ हमेशा पहले ध्यान रखना चाहिए, बाद में हमें कोई दुनिया की और चीजें सोचनी चाहिए। तो वीडियो में तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बड़ा मैसेज था। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, होप करते हैं आपको भी पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।